हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीच इंग्लिश विद मी। आज हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई इल श्योरली मीट यू। मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। किसी भी चीज़ के लिए हम पक्का करते हैं कि पक्का मैं मिलूंगा, तो उसके लिए हम कहते हैं श्योर। इल श्योरली मीट यू, मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। इल श्योरली मीट यू। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, मतलब हमें अफसोस हो रहा है कि आपको असुविधा हुई, तो उसके लिए हम कहेंगे वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके ज़िम्मेदार तुम हो, मतलब जो ये काम बिगड़ा है, ये कुछ हुआ है, गलती हुई है, तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मुझे बहुत बातें करनी है, मतलब मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लॉट ऑफ बातें करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मुझे बहुत बातें करनी है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मुझे बहुत बातें करनी है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। हुम हैव यू मेड सिट एट द बैक ऑफ योर बिसाइकिल। तुमने किसको साइकिल के पीछे बिठाया, मतलब पीछे अपनी साइकिल के तुमने किसे बिठाया, तो हम उसके लिए इंग्लिश में पूछेंगे हुम हैव यू मेड सिट एट द बैक ऑफ योर बिसाइकिल। तुमने किसको साइकिल के पीछे बिठाया। हुम हैव यू मेड सिट एट द बैक ऑफ बिसाइकिल। कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू हिम। क्या आप उससे मेरी बात करेंगे, मतलब आप उससे मेरे बारे में या मेरी बात करेंगे, या जॉब के लिए कह सकते हैं, किसी काम के लिए उसके बात करनी है, तो हम जब इसका यूज़ करते हैं कुड। कुड हमारी मॉडल वर्ब है। कैन की सेकेंड फॉर्म होती है कुड। कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। क्या आप उससे मेरी बात करेंगे। कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। माफ़ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। माफ़ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका, मतलब टाइम पर पहुँचना था, टाइम से हम लेट हो जाते, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आई एम सॉरी आई गॉट लेट, कि माफ़ कीजिए मुझे देर हो गई है, मैं समय पर नहीं पहुँच सका। तो आई एम सॉरी आई गॉट लेट। आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं तो मजाक कर रही थी। किडिंग मीन्स मजाक करना, कि किसी को सरप्राइजली कुछ कह देना। और जब हम कहते हैं कि आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रही थी, या मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। किडिंग मीन्स मजाक करना। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रही थी। विद होम विल यू स्लिप टूडे। आज आप किसके साथ सोएंगे। मम्मी से पूछते हैं बच्चे, मम्मी आज आप किसके साथ सोएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विद होम, मतलब किसके साथ। विद होम किसके साथ। विल यू स्लिप टूडे। आज आप किसके साथ सोएंगे। विद होम विल यू स्लिप टूडे। आज आप किसके साथ सोएंगे या सोएंगी। विद होम विल यू स्लिप टूडे। यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम। तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया, मतलब तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि उसके तुम दे देते या कुछ काम कर देते, उसका ख्याल नहीं आया, तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं यू डिडंट इवन, यानी तुम्हें उसका ज़रा भी थिंक अबाउट हिम ख्याल नहीं आया। यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम। तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया। यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम। आई वॉज इन टू सम वर्क। मैं काम में लगा हुआ था, मतलब जब तुम आई है, जब तुमने ये काम किया, तो मैं काम में लगा हुआ था, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे आई वॉज इन टू सम वर्क। मैं काम में लगा हुआ था। या आवाज़ देता है कोई, तो जब हम नहीं सुन पाए, जब कहते हैं आई वॉज इन टू सम वर्क, मैं काम में लगा हुआ था। फ़ोन को हमें चार्जिंग से, हम चार्जिंग पर लगाने के लिए कहते हैं प्लग द चार्जर, और जब चार्जिंग से छुटाते हैं फ़ोन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम द चार्जिंग। फ़ोन को चार्जिंग से उतार दो। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम द चार्जिंग। अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम द
charging. Next is, he is too weak to raise from the bed. Is from the bed. वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सका या उठ नहीं सकता, मतलब बिस्तर से नहीं उठ सकते. बहुत ज़्यादा जब बीमार है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकते तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ही इज़ टू वीक, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार. टू वीक बहुत ज़्यादा बीमार. टू रेज फ्रॉम द बेड, मतलब बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, इतना बीमार है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता. नेक्स्ट सेंटेंस भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ सो वीक. टू वीक या सो वीक दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं हम. तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कांट रेज फ्रॉम द बेड. वे इतना बीमार है कि वे बिस्तर से उठ नहीं सकता. हैवंट यू ब्रॉट द टिकट सो फार, क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया है, मतलब अभी तक आपने टिकट नहीं लिया है. तो हम कहेंगे हैवंट यू ब्रॉट द टिकट सो फार, क्या आपने अभी तक टिकट नहीं लिया है. हैवंट यू ब्रॉट द टिकट सो फार. आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है. आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, मतलब कट कट के आती है आवाज़ जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो उसमें जो वॉइस कट कट के आती है उसको कहते हैं ब्रेकिंग अप. यू आर ब्रेकिंग अप. आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, मतलब आपकी आवाज़ कट रही है. अनटिल यू कम आई वेट, आई वेट, जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगी. अनटिल यू कम इल वेट, यानी आई विल वेट, जब तक तुम आओगे मैं इंतज़ार करूँगी. अनटिल यू कम इल वेट, अनटिल जब तक तुम आओगे, इल वेट मैं इंतज़ार करूँगा. वेन एवर यू बर्न, आप कब पैदा हुए. वेन एवर यू बर्न, आप कब पैदा हुए. बर्न मीन्स पैदा होने यानी जन्म. वेन एवर यू बर्न. हिज टैलेंट इज प्रेसवर्थी, प्रेसवर्थी मीन्स काबिल तारीफ. किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि उसका काम जो है काबिल तारीफ है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हिज वर्क इज प्रेसवर्थी. हिज टैलेंट इज प्रेसवर्थी, उसकी प्रतिभा काबिल तारीफ है. हिज टैलेंट इज प्रेसवर्थी. नेक्स्ट इज वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए. वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए. मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है जो चाहिए के लिए यूज़ करते हैं. मस्ट का यूज़ चाहिए के लिए यूज़ करते हैं. तो वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए. वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. हाउ मनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, एक माह में कितने हफ्ते होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं एक माह में. तो उसके लिए हम कहेंगे हाउ मनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, एक माह में कितने हफ्ते होते हैं. विच इज़ द फर्स्ट मंथ, सबसे पहला महीना कौन सा है. विच इज़ द फर्स्ट मंथ, सबसे पहला महीना कौन सा है. विच इज़ द फर्स्ट मंथ, यानी साल का पहला महीना कौन सा है. यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्टे, जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो. हैस्टे मीन्स जल्दबाजी और फॉरगेट मीन्स भूलना. यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्टे, जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो. अटक अटक के मत बोलो, डोंट शटर, डोंट शटर. अटक अटक के बोलते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शटर. अटक अटक के मत बोलो तो डोंट शटर. हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, तुमने मुझे आज कैसे कॉल की, मतलब कभी कॉल नहीं किया फिर सडनली कोई कॉल कर लेते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, तुमने मुझे आज कैसे कॉल की. हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे. सी इज स्नैकिंग आउट एट अस, वे हमें छुप छुप कर देख रही थी. सी इज स्नैकिंग, मतलब छुप छुप कर देख रही थी. तो सी इज स्नैकिंग आउट एस अस एट अस. द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, सड़क पर मरम्मत चल रही है. द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, अंडर रिपेयरिंग का मतलब कि खराब है रोड, उसको सही करा जा रहा है तो उसको कहा जाता है अंडर रिपेयरिंग. अंडर रिपेयरिंग, द रोड इज अंडर रिपेयरिंग, सड़क पर मरम्मत चल रही थी. द रोड इज अंडर रिपेयरिंग. अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, बालों में तेल लगा लो.
अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, बालों में तेल लगा लो, मतलब बाल सूखे हो रहे हैं, बच्चे माँ मम्मी बच्चे से कहती हैं कि अपने बालों में तेल लगा दो, तो हम ये कहेंगे अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। व्हाट्स द रीज़न, कारण क्या है किसी भी काम के लिए, कहते हैं इस काम को करने का क्या कारण है, या इस जगह जाने का क्या कारण है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द रीज़न, कारण क्या है, व्हाट्स द रीज़न। व्हाट आई हैव सेड आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मतलब मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट आई हैव सेड आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, व्हाट आई हैव सेड सो आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अनलेस योर वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेस, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे, मतलब जब तक हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, उसको कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेस, तुम सफल नहीं हो पाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेस, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, मस्ट मॉडल वर्ब है, ये चाहिए के लिए यूज़ होती है, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं जो कह रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दो, तो पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं जो कह रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दो, मीन्स कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पे केयरफुल, मतलब ध्यान से सुनने के लिए केयरफुल, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया, मेरे पैर में खून निकल गया कि चोट लग गई है उसकी वजह से खून निकल गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हर्ट हो गया, चोट लग गई, आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया, आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।